पवन दीवान की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी याद में एक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर मंत्री रविन्द्र चौबे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पवन दीवान को याद करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के कालजयी कवि और जननायक थे। हम स्वर्गीय दीवान के सपनों का छत्तीसगढ़ गढ़ने में लगे हैं। वे चाहते थे कि प्रदेश में माता कौशल्या का भव्य मंदिर बने, ये सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। चंदखुरी में 5 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में साहित्यकार दानेश्वर और रामेश्वर वैष्णव को सम्मानित किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत ही नहीं, महान कवि, चिंतक और भगवताचार्य थे। उन सबसे ऊपर वो बहुत बढ़िया इंसान थे और छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत। आज उसकी चौथी पुण्यतिथि को सभी समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दीवान जी के साथ हम सबके बहुत लंबी स्मृतियां हैं और घर में बच्चों के साथ वो समय व्यतीत करते थे, तो एक पारिवारिक संबंध भी दीवान जी के साथ था और उनके योगदान को योगी कैबिनेट